हेलो फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आज इंटीग्रेशन का क्वेश्चन देखने वाले हैं हम कि इंटीग्रेशन ओवर वन अपॉन टेन एक्स प्लस कॉट एक्स प्लस कोसेक एक्स प्लस सेक एक्स। अगर इस टाइप का कोई भी आपके सामने ट्रिगो का क्वेश्चन आ जाए तो सबसे पहले एक बात याद रखो कि सारे फंक्शन अलग अलग फॉर्म में है, कोट कोसेक सेक। तब हम एक काम करेंगे, सबको साइन कोस में कन्वर्ट करेंगे तो क्या रहेगा, फंक्शन कम हो जाएंगे तो हमें सोचने का तरीका भी मिल जाएगा। तो सबसे पहले आप वीडियो पॉज करके सबको साइन कॉस में कन्वर्ट करिए, ये भी करता हूं सॉरी। तो देखिए क्या बनेगा, तो कि यहां पे जो टेन एक्स है उसको हम लिखेंगे साइन एक्स बाय कॉस एक्स, सिमिलरली कॉट एक्स को लिखेंगे कॉस एक्स बाय साइन एक्स, और सेक एक्स को लिखेंगे वन अपॉन कॉस एक्स, और कोसेक एक्स को लिखेंगे वन अपॉन साइन एक्स डी एक्स। अब करना है क्या है, एक ही ऑप्शन है एलसीएम। तो एलसीएम कैसे होता है, तो साइन एक्स इंटू कोस एक्स एलसीएम होगा। तो यहाँ पे कोस एक्स तो है लेकिन साइन एक्स नहीं है, तो मैं ऊपर नीचे साइन एक्स से मल्टीप्लाई करूंगा। तो ऊपर नीचे जब भी मैं साइन एक्स से मल्टीप्लाई करूंगा तो साइन एक्स इंटू साइन एक्स क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स, और डिवाइड बाई क्या गया हुआ है, साइन एक्स इंटू कोस एक्स। यहाँ पे साइन एक्स है तो कोस एक्स नहीं है, तो मैं ऊपर किससे मल्टीप्लाई करूंगा, कोस एक्स है तो हो जाएगा कोस स्क्वायर एक्स। अब यहाँ पे कोस एक्स है तो नीचे ऊपर मैं साइन एक्स से मल्टीप्लाई करूंगा, और यहाँ पे साइन एक्स है तो ऊपर नीचे मैं कोस एक्स से मल्टीप्लाई करूंगा, तो डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, एलसीएम यानी कि साइन एक्स इंटू कोस एक्स, ये आ जाएगा ना, ओके डीएक्स। अब डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर चला जाएगा न्यूमरेटर में, तो न्यूमरेटर में गया और कुछ वन बन रहा है चेक करो, कहीं पे वन बन रहा है चेक करो बच्चों, ये कितना हो जाएगा वन, यानी कि वन प्लस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स, ऐसा हो गया। इसमें किसी को कंफ्यूजन या डाउट है, नहीं है। अब देखिए अब मैं क्या करने वाला हूं, तो इधर मुझे परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। क्या बनाना है बच्चों, परफेक्ट स्क्वायर। तो परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाऊं मैं, मुझे इधर कुछ आइडिया नहीं आ रहा, लेकिन इधर साइन एक्स और कोस एक्स एडिशन में है, ऊपर मल्टीप्लिकेशन में, तो ऐसा क्या करें। तो यही है इंटीग्रेशन में कि ऑर्डर डिसाइड करना है आपको, कि क्या ऑर्डर, मतलब क्या मल्टीप्लाई करें क्या करें। तो देखिए मैं एक काम करता हूं, मैं इधर टू से मल्टीप्लाई करता हूं और टू से डिवाइड कर देता हूं। मैंने क्या किया बच्चों, टू से मल्टीप्लाई टू से डिवाइड, और मैं इधर प्लस वन भी करता हूं और माइनस वन भी कर रहा हूं। ऐसा सर आपने क्यों किया, आपको कैसे पता चला। तो बच्चों मैं यहां पे वन की जगह पे ऐसा लिखूंगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, यानी कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस टू साइन एक्स कॉस एक्स, तो होल स्क्वायर बनेगा परफेक्ट का। क्या सर नहीं पता चला, चलो लिख रहा हूं देखो, वन बाय टू, वन की जगह पे मैं इन दोनों का कोई रिलेशन है, यस लिख सकते हो आप वन की जगह पे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स प्लस टू इंटू साइन एक्स इंटू कोस एक्स, और ये माइनस वन को मैं अलग रखता हूं। तो आप लोग देखिए ये परफेक्ट स्क्वायर बन चुका है, किसका परफेक्ट स्क्वायर बन चुका है, साइन एक्स प्लस कोस एक्स का। तो मेरे दिमाग में यही था कि ये दो साइन एक्स कोस एक्स प्रोडक्ट में है उसको एडिशन में कन्वर्ट करना था, तो एडिशन में कन्वर्ट करने के लिए मैंने क्या किया, वन एड किया वन माइनस किया, तो ये पूरा देख लो परफेक्ट स्क्वायर है। किसका परफेक्ट स्क्वायर है बच्चों, तो कि साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का, और इधर पीछे वन है उसको मैं वन स्क्वायर ऐसा लिख सकता हूं। तो देख लो आंसर आ चुका है, और वीडियो पॉज करके आप ट्राई कर सकते हो। क्या बनेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आइडेंटिटी है ना, ए माइनस बी और ए प्लस बी। वीडियो पॉज करो ट्राई करो, प्लीज ट्राई करो, हो जाएगा मैं बोल रहा हूं आपको। अगर हो जाता है तो वापस आके कमेंट करना प्लीज। अब क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में, तो यह अब होगा एक बार प्लस और एक बार माइनस, एक बार आएगा ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में आएगा ए माइनस बी, और डिनोमिनेटर में क्या है बच्चों, वन प्लस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स। तो ये देखो ये कैंसिल हो गया, कितना आसान हो चुका है अभी। अब सिर्फ इसका इंटीग्रेशन करना है, वो तो आप इजीली कर सकते हो,
साइन एक्स प्लस कॉस एक्स माइनस वन सबका सेपरेटली हो जाएगा, तो 1/2 साइन एक्स का क्या होता है माइनस कॉस एक्स, कॉस एक्स के क्या होता है साइन एक्स, और एक्स का क्या होता है सॉरी 1 का क्या होता है एक्स प्लस सी, तो ये आंसर रहेगा। तो फ्रेंड्स आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो, सॉल्यूशन पता चला हो, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और मुझे आप कमेंट करके आपके रिव्यू जरूर बताना। और इसी टाइप के इंटीग्रेशन के सारे क्वेश्चंस देखने हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे चले जाओ, वहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन आपको इंटीग्रेशन के मिल जाएंगे, वहाँ पे मैंने प्लेलिस्ट रखा हुआ है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फ्रेंड्स।